गाइस देख सकते हैं फाइनली हाथी और हमें थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा बहुत भाई 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 रोड पार करते हुए हाथी भाई यार गाइस गाइस हाथी आज हमारी किस्मत तो देखो एंकर आज हम आए थे वीडियो अरे यार भैया ये हाथ हटाओ थोड़ा पहले यार थोड़ा सा हाथ हटाओ ना ठीक है यार भैया 8000 रुपए चार्जेस है भाई। वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो गाइस इट्स योर उरुस। कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूं नैनीताल से कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड कॉर्बेट जा रहे हैं हम लोग अभी, एंड आप लोगों को आज के इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे टूरिस्ट हमारे ऐसे होते हैं जो कि नैनीताल आने के बाद कॉर्बेट जाना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो भी जानकारी होगी आज के इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा भाई, तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो हम लोग फ्यूचर में ऐसी वीडियोस कैसे बना पाएंगे। जिस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर वगैरह जरूर से कर देना, तो हम लोगों की थोड़ा हेल्प हो जाएगी। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अभी मैं अपने घर पर हूँ, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, शादाब भाई और मैं जा रहे हैं। तो अभी वो शायद से घर के बाहर आ चुके होंगे या फिर हम लोगों को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो जैसा भी होगा आज के वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर वेदर की बात करें तो इस वक्त थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है भाई, बिल्कुल गर्माहट नहीं है धूप, मतलब मौसम थोड़ा थोड़ा बिगड़ना स्टार्ट हो गया। जो हर दिन थोड़ी थोड़ी जो भी अपडेट्स होंगी सारी अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएंगी। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि भाई बहुत जल्द स्नोफॉल देखने मिलेगी, तो उसके लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा। सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मैं फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सो बिना देरी करें लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो भाई मैं फाइनली अपने घर के बाहर आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हो भाई शादाब भाई हमारे लिए आ चुके हैं घर के बाहर ही, जस्ट ये हमारी कॉन्टिनेंटल खड़ी हुई है, तो हमारा व्लॉग चल रहा है एकदम। मैंने उरुस भाई को अपनी बाइक दिखाई सब्सक्राइबरों को, मैंने कहा हमारे उरुस भाई की बाइक, हां बाइक दिखाइए, कैसे हैं शादाब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हैं। तो अभी हम लोग शादाब और हम लोग जाने वाले हैं, जा रहा भी बता रहे थे दो जने भाई ये है, तो चलिए गाड़ी में बैठ जाते हैं भाई। शादाब भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं, इनका चैनल जरूर से सब्सक्राइब करना। शादाब भाई नाम बताइए चैनल का। शादाब नैनीताल। अगर आप लोग जाना चाहते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो शादाब भाई से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि टूरिस्ट हमारे साथ जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वीडियो कैसे जा सकते हैं। शादाब भाई थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए व्यूअर्स को कि क्या क्या वहाँ पे जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, टैक्सी जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, जरा बताइए। जाने के साधन तो काफी हैं, पर उसके लिए आपको बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। अगर आपको दो सफारी होती है वहाँ पे, एक तो सुबह मॉर्निंग है 6 बजे सुबह 6 बजे आपको जाना पड़ेगा, और एक अपनी सफारी का टाइमिंग है 2 से 2:30 बजे का, 2:30 बजे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा और वहाँ पे एंट्री करना पड़ती है सब कुछ, पूरा अपना जो भी एड्रेस वगैरह आपको जो पूरा वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद एंट्री होती है, वहाँ से 4 से 5 घंटा जो है आप लोग जो है जंगल में ही पूरी सफारी करेंगे, ओपन जिप्सी रहती है। तो आप नैनीताल से टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, बस में अगर आपको टैक्सी में जाना है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मैं दे दूंगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मेरी यूजर नेम आप लोगों को पता होगा URRZZ, मैं काफी सारा आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग जा रहे हो कॉर्बेट नेशनल पार्क तो शादाब भाई आप लोगों को पर्सनल लेके जाएंगे, जैसे कि मैं अभी शादाब भाई के साथ जा रहा हूँ। एंड शादाब भाई की वजह से हमारी वीडियो से पॉसिबल हो पाती है, तो जरूर से इस वीडियो को जरूर से सपोर्ट करना भाई, मेहनत लगती है ऐसी जगह पर जाने में और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे फ्यूचर में ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूँ, अभी हम लोग जो रामनगर जा रहे हैं नैनीताल से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, एंड इस वक्त हम लोग जहाँ पे जाने वाले हैं वहाँ पे हम लोग को जंगली जानवर देखने में मिल सकते हैं रोड में, जबकि हम लोग दिन में जा रहे हैं, तो जो भी चीजें पॉसिबल होंगी सारी चीजें आप लोग इस वीडियो में मिल जाएंगी, तो लास्ट तक जरूर से देखते रहना। एंड एक चीज और बता रही थी कि अगर मौसम की बात करें तो इस वक्त थोड़ी बहुत धूप आ रही है, ज्यादा कुछ खास धूप दिख नहीं रही है, हो सकता है भाई जल्दी स्नोफॉल देखने के लिए मिले, तो जरूर से कनेक्टेड रहिएगा हर वीडियो में। मैं बोलता हूँ कि जब भी स्नोफॉल होगी वीडियो सबसे पहले मिलेंगे, एंड शादाब भाई भी हम साथ में वीडियोस बनाने जाएंगे बर्फ के टाइम पर भी, तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखना भाई, बहुत ज्यादा आप लोगों के काम आ सकती है वीडियोस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सुसाइड पॉइंट पर, देख पा रहे हो कि यहाँ पर से जो टर्न लेते हैं जो व्यू दिखता है ना भाई माउंटेन का, ये वाला जो पहाड़ है ना भाई इतना अनरियल सा लगता है। अभी तो थोड़ी बहुत धूप नहीं आ रही है उसके ऊपर, बट ये ऐसा लगता है कि किसी ने वॉलपेपर लगा दिया है ना शादाब भाई, पूरी अच्छा व्यू दिख बहुत अच्छा, जैसे देख पा रहे हो ऐसा लग रहा है फॉरेन कंट्री में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी के साथ, बहुत अच्छा लगता है भाई यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, बहुत बढ़िया भाई। सो भाई लोग अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कालर ढोंगी, एंड कालर ढोंगी पहुंचने के बाद मैं थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रास्ता कहीं दिखाना है ना, रास्ते में तो हम लोग वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाते रहता हूँ नॉर्मली। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं कालर ढोंगी, एंड कालर ढोंगी से हम लोग जा रहे हैं रामनगर साइड पे कॉर्बेट पे, कालर ढोंगी चौराहे हम लोग आ चुके हैं, अभी हमें लेना है राइट, तो हम चले जाएंगे रामनगर के लिए, लेफ्ट में जाता है रानी हल्द्वानी जाता है और कालर ढोंगी जो मेन सिटी है वो इस तरफ को ही है, अभी हमें जाना है राइट की साइड पे, तो हम लोग चले जाएंगे काशीपुर रामनगर वाली रोड में। यहाँ का वेदर तो काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, हाथों में ना पसीने आ रहे हैं क्योंकि हम लोग नैनीताल की ठंड की इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है कि नॉर्मल ठंड हमें ठंड लगी नहीं रही है, धूप लग रही है थोड़ा सा तो उसमें से भी पसीने आ जा रहे हैं भाई। सो भैया फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर पे, एंड जो जो रामनगर से लोग वीडियोस देख रहे हैं तो जरूर से नीचे कॉमेंट करके बताना कि भाई हम लोग आपके शहर में हैं, एंड अगर आप लोग बोलेंगे तो नीचे फिर कहीं मिलते हैं अगर रामनगर से कोई वीडियो देख रहा है तो अभी चलते हैं आगे, एंड आगे चल के मिलते हैं। रोड देख रहे हो कॉर्बेट वाली रोड, तो यहाँ पे अक्सर आई दिन रात के समय बहुत ज्यादा लेपर्ड देखने मिलते हैं, हाथी तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है यहाँ पे देखना, मतलब डियर्स वगैरह और बहुत सारी चीजें यहाँ पे घूमते हुए मिलती है रात के समय में, दिन में तो यहाँ पे आवाजाही रहती है गाड़ियों की, बट रात के समय बहुत ज्यादा जंगली जानवर देखने मिलते हैं, बंगाल टाइगर वगैरह सब कुछ देखने के मिलता है भाई यहाँ पर।
गाइस देख सकते हैं फाइनली हाथी और हमें थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। भाई 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 भाई, भाई, भाई रोड पार करते हुए हाथी भाई। ओ यार गाइस गाइस हाथी देखिए, देखिए कितना छोटा बेबी। वाओ वाओ यार वाओ गाइस हाथी। तो गाइस जो चाहा था वो तो देखने के लिए मिल गया भाई। तो उरुस भाई से मैं कह रहा था यहां पर देखते हुए चलो, मैं बोल रहा था नहीं आपको, बोला था। अरे भाई साहब तो बहुत ही आराम से चलना पड़ता था उसको। वाओ यार वाओ, इसको नीचे करो। ब्यूटीफुल ये जो है हमारा हाथी भाई। बाय बाय। तो गाइस जरा देखिए, भगाओ 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 भाई, देख सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट ग्रेड डाल के हम लोग खड़े हैं यहाँ पे रेडी टू भागने के लिए, सीधे रेडी हैं भाई हम। तो गाइस देखिएगा पूरी फैमिली यही है, है ना भाई। फैमिली शादाब भाई, क्या एक्सपीरियंस है यार, इतना तो देखना लाइव। अच्छे वीडियो बना ले यार शादाब भाई, आ भी सकता है। मैंने फर्स्ट गियर डाल के इनके, अरे हम बाहर जाने कोई दिक्कत ना है। तो गाइस अरे चलो 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 ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फर्स्ट गियर डाल रखा मैंने। हां अरे भाई सो भाई, अभी हम लोगों को हाथी देखने के लिए मिल गए। हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं भाई, बिल्कुल हम लोग अब वापस से गाड़ी मोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज्यादा हाथी की पूरी फैमिली दिख गई थी। मन में जो जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आए थे, हम लोग एकदम सक्सेसफुल हो चुके हैं। एंड अभी हम लोग वापस से जा रहे हैं उसी साइड पर, तो शायद आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आगे से दिख रहे थे ये जो पुल है, इसके इस तरफ को दिख रहे थे ना, तो चले गए होंगे लगता है, शायद वो चले गए यार अंदर को चले गए। आप लोग देखना, बड़े की किस्मत क्या थी, टाइगर भी देखने को मिल गया यार शताब भाई, और वो भी देखने के लिए मिल गया। वो गाइस है अभी, गाइस है रुको 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 गाइस देख सकते। तो गाइस देख सकते हैं हाथी दिख गया भाई। शताब भाई एकदम रेडी रहना यार, भगाने के लिए भी रेडी रहना, कहीं इधर उधर से आ जाएंगे भाई। क्या किस्मत है भाई। तो गाइस देखिएगा अभी जो है ना, किस्मत है भाई, फुल मस्ती में है अभी पूरी फैमिली के साथ। ये देखिएगा, तो हमें अभी जो है फर्स्ट गियर डाल के रखना पड़ेगा। शॉट बना लिया ये देखिए। तो गाइस वो लोग जा रहे हैं इधर से आए थे, आगे को इधर से आए थे और पूरा रोड क्रॉस करके उधर को। तो आप देख सकते हैं गाइस, तो भाई यहाँ पे हम लोग बैठे हुए, शादाब भाई लोग यहाँ बैठे हैं, उधर को हाथी भाई आप लोगों को शायद दिख भी रहे होंगे, वो पीछे वो देखो मेरी फिंगर, देखो फिंगर को फिंगर के साथ में देखिएगा भाई। तो अभी इतना मजा आ गया भाई, फिर वापस मजा आ गया भाई, बिल्कुल हमारे इंतजार में थे वो कि हम लोग आए और ये जल्दी से हमें दिखे, और देखे बहुत मजा आ गया भाई। पूरी ट्रिप हमारी सक्सेसफुल हो गई, पूरी सक्सेसफुल हो गई। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने गए थे शादाब भाई और मैं, हमें कल लेपर्ड भी दिखा था याद है, कल हमें दो लेपर्ड दिखा था, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम लोग निकाल देंगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तो हमें भैया मेरे स्कूल में सफारी करवाने जा रहे हैं, सफारी में घुमाएंगे हमें। तो भैया क्या चार्जेस है थोड़ा बता दीजिए, चार्जेस बता दीजिए, ₹8,000 चार्जेस है, इसमें गाइड है और परमिट है और गाड़ी है, तीन से साढ़े तीन घंटे की राइड होती है। अच्छा, अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे आपको तो कैसे कर सकता है भैया, जिनको भी कांटेक्ट करना है तो भैया का कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। तो इनकी जो जिप्सी है यहाँ पर देख सकते हो, इससे अभी हम लोग जाने वाले हैं सफारी के लिए, तो देख सकते हो भाई अभी इस पर ही चलेंगे आगे को, एंड आगे चल के आप लोग सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सो भाई अभी मैं जा रहा हूँ भाई गाड़ी पे बैठने के लिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सफारी के लिए गाइस। तो गाइस भाई साहब जो है भाई अभी हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी की जिप्सी में भाई, बहुत मजा आ रहा है, खड़े हुए हैं बैठे तो नहीं है, फुल फंडरों की तरह खड़े हैं हम लोग यहाँ पे, देख पा रहे हो भाई वीडियो बनाते हैं। तो गाइस देखिएगा अभी जाते हैं भाई आगे को, हम जंगल में जा रहे हैं, जंगल की साइड जा रहे हैं भाई, जाने वाला तो हमारे भाईजान मोहम्मद भाई देखिएगा सफारी में चला रहे हैं गाड़ी भाई, हमें क्या क्या मिलता है घूमने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं हमें सामने जो टाइगर टाइगर देखो, ये देखिएगा आप लोग, देखिएगा क्या बात है यार, आज मजा आ गया गाइस बहुत ज्यादा भाई, आज हमारी किस्मत तो देखो एंकर, आज ही हम आए थे वीडियो। अरे यार भैया ये हाथ उठाओ थोड़ा, पहले यार थोड़ा सा हाथ उठाओ ना, सिखाओ यार भैया, वो देखो चले जाएगा यार उधर को थोड़ा सा दबा लो, अरे यार देखो यार चले गए भैया, तुमने यार हाथ जगह छोड़ दी आगे लगा, अरे यार नहीं बन जाएगी यार, चलो आगे को चलते हैं, इसको भी चलते हैं। बहुत अच्छा था और हमारे उरुस भाई का भी और अर्ज भाई का भी, रात अर्ज भाई का अलग स्पेशल था, उस ब्लॉग में जो रात वीडियो बनाई थी ठीक है भाई, फाइनली देखने ही नहीं मिला, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको। तो भाई फाइनली पहुंच गए यहाँ पे जहाँ से वीडियो स्टार्ट करी थी, एंड मज़ा आया भाई बहुत, उतर जाता हूँ यहाँ से, जंप करना पड़ेगा भाई सीधे। तो भाई अभी मैंने आपको जंगली हाथी दिखाए थे, अभी असली ये पालतू वाले हाथी देखो, इसके अंदर सफारी कर भी सकते हो आप लोग, बैठ के घुमा देते हैं लोग, एंड पीछे ऊँट भी खड़ा है भाई, यहाँ पे देख सकते हो ऊँट खड़ा हुआ दिख रहा है आप लोगों को ये, एंड यहाँ पे हाथी, तो देखते हैं अभी
जैसा कि आप लोग ने आज की इस वीडियो में देखा होगा, मैंने आप लोगों को सारी चीजें दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करी कि आप लोग सफारी कैसे कर सकते हो, कितना चार्जेस हैं, एंड आप लोगों को हाथी शेर भाई सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में मैंने दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करी। हम लोग अपने शहर से भाई 65-70 किलोमीटर दूर आए हैं एंड उससे ज्यादा ही आए हैं। अभी हम लोगों को वापस भी ट्रैवल करके आना है, तो भाई ऐसी वीडियोस पॉसिबल तभी हो पाती है भाई, क्योंकि खर्चा भी लगता है एंड शदाब भाई भी देख सकते हैं बेचारे हमारे साथ आए हैं, तो बहुत ज्यादा भाई मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे वीडियोस को तो आगे हम लोग कैसे हमें मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे से वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं जरूर से बोलूंगा भाई वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ज़रूर से शेयर करना भाई आगे, ताकि हमारे वीडियो की रीच बढ़ सके एंड हम लोग फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस बना बनाकर आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करें। तो अभी हम लोग यहीं पर ही हैं, कॉर्बेट के पास ही हैं एंड सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करी। अभी भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप लोग फिर भी मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके भी वहाँ पे मेरे से कुछ भी बातचीत कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं बस इतना ही रखता हूँ, हमें मिलता हूँ आप लोगों को किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, हमें मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।